बेरोजगार तीन दिनों से ट्वीट कर रहे हैं, अपने ट्वीट गिन गिन कर बता रहे हैं कि 35 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, अब हम थाली बजाएंगे। रेलवे की परीक्षा और ज्वाइनिंग को लेकर कोई बयान नहीं आया। तो जानते ही हैं कि इन सारी लड़ाइयों का कवरेज कहां होगा और कहां नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। नीट और जेईई की परीक्षा होगी, सुप्रीम कोर्ट में 6 विपक्षी दलों की सरकारों की याचिका खारिज हो गई है। अब इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें, कोर्ट ने भी कह दिया है यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीख आ गई है। जो लोग मेज के नीचे से मैसेज ठेल रहे हैं मुझे कि आवाज उठाइए, उन्हें सवाल है कि परीक्षा दीजिए, परीक्षा होगी। अभी तक सरकार सभी परीक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वो पीछे नहीं हट रही है। पैटर्न से भी बात समझ जानी चाहिए, जैसे ये लोग पैटर्न से समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले रविवार से ट्वीट किए जा रहे हैं कि रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा की तारीख दीजिए, तारीख नहीं मिली। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी अप्रैल 2019 से फॉर्म भरकर बैठे हैं। जो लोग सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर चुके हैं वे ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे सारे बेरोजगार थाली बजाएंगे। अब उस दिन पता चल जाएगा कि कितनी थालियां बजती हैं। तरह तरह के मीम चल रहे हैं ट्विटर पर। इन्हें पता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री के कहने पर जनता ने थाली बजाई थी तो कुछ नहीं हुआ, उनकी उल्टी नौकरी चली गई, थाली बजाने से नौकरी आई नहीं। अब उनके थाली बजाने से क्या होगा। उधर प्रियंका गांधी ने आज फिर इन बेरोजगारों को हक में ट्वीट किया है, बताया है कि एसएससी सीजीएल 2017 की भर्ती नहीं हुई है, 2020 एसएससी सीजीएल की भर्तियां नहीं निकली हैं, 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, उस दिन उनके पढ़ाए छात्र अपने रोजगार को लेकर थाली बजाएं ठीक नहीं लगता है। अब आइए मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत इनबॉक्स में मैसेज भेजते रहते हैं। इसे समर्थन देने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए। अब ये तो गलत हो गया, कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो गलत। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। वहीं भिंड शहर में बेरोजगारों के धरना प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ, वहां भी कांग्रेस के नेता थे। कुछ युवाओं ने कांग्रेस पर उनके कार्यक्रम को हाईजेक करने का आरोप लगाते हुए झूमा झटकी कर दी। झूमा झटकी एक नया शब्द चलता है। यही नहीं, नौबत हाथापाई तक पहुंची। कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके साथ हाथापाई की है। ये जो युवा है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं कि उनके प्रदर्शन को किसी भी प्रकार से कांग्रेस प्रायोजित ना लगे। वो प्रायोजित लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है, वो प्रायोजित नहीं लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है। मगर दोनों ही स्थितियों में ये युवा लगते हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार कर